एजुकेशन है हमारे पास, आज हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो किसके बदौलत आई? बाबा साहब की बदौलत आई। और बाबा साहब ने हमें क्या दिया? एक संविधान दिया। 1947 से पहले क्या स्थिति रही थी हमारी, हम सभी जानते हैं। हम एक शूद्र थे, यहाँ पर शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति इतनी ताड़ने रही है कि उसको देखें तो आज भी रूह कांप उठती है। ये पोजीशन आज हम बैठे हैं, ये कहाँ से आई, ये हमें किसने दी? ये सम्मान, ये भारत का जो संविधान है, इसका सम्मान हम क्यों करना चाहते हैं? आज आजादी के 71 साल बाद भी हमें इस सम्मान की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये इसका आज तक इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, सरकार ने इसका सम्मान किया ही नहीं। जो भी सरकारें आई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और चलती बनी। उन्होंने चाहा कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे, वर्ग व्यवस्था बनी रहे, दलित आज भी दलित रहे, शूद्र आज भी शूद्र रहे, महिलाओं को उस स्थिति में ना लाया जाए। ये स्थिति कहाँ से पैदा हुई? भारत के संविधान से। 71 साल होने के बावजूद भी इसको लागू नहीं किया गया। ये एक मुहिम छेड़ी है, LDF ने एक मुहिम छेड़ी है कि जैसे भी हो, चाहे हमें जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन हम संविधान को लागू करके रहेंगे। संविधान को लागू कराने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारा प्रोविजन संविधान में ही है। हम संविधान को पढ़ते नहीं हैं। आज भी मेरे भाई इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान, क्योंकि उन्होंने संविधान को पढ़ा ही नहीं। संविधान का हम जब पहला पेज खोलते हैं तो वहां पर लिखा है भारत का संविधान। इट मीन्स कि हम सब भारत के लोग हैं, चाहे हम किसी भी प्रांत में रहते हैं, किसी भी भाषा से रिलेटेड हैं, किसी भी जाति से रिलेटेड हैं, लेकिन हैं हम भारत के लोग। हमें जान लेना चाहिए कि हम अपने देश को भारत के नाम से ही पहचाने और इसकी एक पहचान बनाए। संविधान के अनुच्छेद 39A(b) में हमें ये प्रोविजन दिया गया था, बाबा साहब ने प्रोविजन लाया है कि किसी भी तरह से मेरा शोषित वंचित पिछड़ित समाज इस देश की जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें उसको हिस्सेदारी मिले। लेकिन हमें आज भी वो हिस्सेदारी नहीं मिली। हम उस चीज को, हमारी सरकारें यहाँ आकर उस पर काबिज हो गई, एक तानाशाही डिक्टेटरशिप हो गई। उन्होंने सारे संसाधन अपने बस में कर लिए, दलित दलित रहा, पिछड़ा पिछड़ा रहा, शोषित शोषित रहा। तो बड़ी समस्या आ गई। सत्ता को काबिज करने के बाद वो क्या सोचते हैं कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई कैसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तुम? ये तो सेकुलर कंट्री है ना, आर्टिकल 25-28 से लेकर कैसे बना दोगे? इस देश में सभी को रहने का हक है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या अल्पसंख्यक है, महिला है, पुरुष है। मैं तो बाबा साहब ने जिस तरह से जात पात का अंत किया था, हम भी जात पात का अंत करते हैं। इस देश के अंदर LDF कभी भी जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करेगा, ये मैं लिख के देती हूँ। यहाँ पर जो भी काम होगा वो शोषित वंचित और पिछड़ों के लिए ही काम होगा। इसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा, इसी मुहिम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें संविधान के उद्देश्यों को रखा जाएगा, संविधान के उद्देश्य क्या है, उनके क्या मौलिक कर्तव्य है। आज जब से ये LDF शुरू हुआ है वो लोगों के घर घर में जाकर लोगों को बताता है कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं। कुछ और पढ़ने की ऐसी जरूरत ही नहीं है, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो संविधान पढ़ो। हम तो सब पढ़े लिख गए ना, बाबा साहब ने भी इतना काबिल तो कर ही दिया ना। तो अब तो समय आ गया है कि पे बैक टू सोसाइटी, सोसाइटी को पे करो, इस सिद्धांत पर चलो, उन लोगों को देखो, उन भाई बहनों को देखो जो पिछड़ गए हैं, जिन्हें आज भी दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। आज भी हमारे देश की 33% जनसंख्या भूखे पेट सोती है, ये बड़े शर्म की बात है। हम कहते तो हैं कि हम आगे बढ़ गए, लेकिन कहाँ आगे बढ़ गए? हम लड़ते हैं, हम मंदिर के लिए लड़ते हैं, हम मस्जिद के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम आज भी विद्यालय के लिए क्यों नहीं लड़ते, चिकित्सालय के लिए क्यों नहीं लड़ते, रोजगार के केंद्र के लिए क्यों नहीं लड़ते? लेकिन ये सरकार है भाई, यहाँ हमें समझना होगा। आज हमें उनके षड्यंत्र को समझना होगा।
नहीं तो ये हमें फिर से वहीं के वहीं ले जाएंगे, ये वहीं बनाना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने भाई बहनों के साथ अन्याय नहीं देने होने देंगे। हम संविधान के वासी हैं, हम संविधान के बंदे हैं, हम संविधान को लेके आगे बढ़े हैं। यहाँ सबके लिए समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारे की भावना है, यहाँ सब उसी को लेके आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं तो अपने भाई बहनों से ये अपील करती हूँ, यहाँ जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, ये तो सब बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उस समाज को कौन जगाएगा, उस समाज के वर्ग को कौन देखेगा। लोग कहते तो हैं ये बड़ी समस्या है, यहाँ हमारा भाई समझता नहीं, यहाँ हमारी बहनें समझती नहीं, लेकिन समझे कैसे। तुम निकलो तो सही, उस समाज में जाओ तो सही। मैं यहाँ भाषण देने नहीं खड़ी हूँ, मैं यहाँ भाषण देना भी नहीं चाहती, मुझे कोई शौक भी नहीं है भाषण देने का। मैं समाज में काम करना चाहती हूँ, मैं अपने भाई बहनों के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं उन दबे कुचले पीड़ित शोषित वंचित समाज के लिए काम करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरा समाज आगे बढ़े, मेरे देश का तबका आगे बढ़े। मैं अपनी महिलाओं से, इस समाज के महिलाओं से, बल्कि इस देश की महिलाओं से ये उम्मीद करती हूँ कि वो बाबा साहब को समझें, संविधान को समझें, जिसके अंतर्गत आज हमें यहाँ बैठने, खड़े होने, खाने पीने, रहने सोने की व्यवस्था दी गई। वरना हम क्या थे, जूतों से पिटाई होती थी, महिलाओं को एक वस्तु समझा जाता था, वस्तु सिर्फ यूज की वस्तु। आज हम यहाँ खड़े होकर मैं बोल रही हूँ, आज एक महिला देश की राष्ट्रपति तक बनती है, वो पावर कहाँ से आई, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान से आई, भारत के संविधान से आई। हमें भारत के संविधान के महत्व को समझना होगा, उनके उद्देश्य को समझना होगा और अपने कर्तव्यों पर चलते हुए उन्हें इम्प्लीमेंट कराना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब संगठित होके अगर सरकार पर दबाव बनाते हैं तो कोई सी सरकार, हम डरते हैं ना भाई, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मैंने इतना बना लिया है। तो एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाइयों कि मनुस्मृति लागू हो जाएगी, फिर तुम कहोगे ये क्या हो गया, सब छिन कैसे गया। इस स्थिति को समझो, जानो और आगे बढ़ो, अपने वजूद को पहचानो। हम इंसान हैं, हमें जातियों में बांट दिया गया है। हम यहाँ जाति की बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें मनुष्य को समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक मनुष्य पैदा होता है, या तो वो पुरुष पैदा होता है या वो महिला पैदा होती है। इस बात को जानते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब इस देश के अंदर हम बात तो करते हैं कि चार वर्ण है, चार वर्ण, जब हमारा संविधान के अनुसार हम सब प्रभुत्व देश है हमारा, तो फिर किस उसकी बात करते हो। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, किस वर्णों की बात करते हो आप, हैं? ये कौन सा वर्ण आ गया? हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, स्वतंत्र हुआ, हमारे ऊपर किसी देश का कब्जा नहीं है, हमारे राज्यों पर भी किसी देश का कब्जा नहीं है, तो फिर ये वर्ण व्यवस्था कहाँ से पैदा कर दी तुम लोगों ने? तुम मानो, हम नहीं मानते, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 30 के अनुसार इसे खत्म कर दिया गया है। हम कोई जात नहीं मानते। आज हम ऐलान करते हैं एलडीएफ के मंच से कि हम किसी भी जात को नहीं मानते, या मनुष्य मनुष्य बराबर है।